बाबा याद है हमने एक दफा वीडियो बनाई थी आपकी, आपको पैसा दिया था। आपका आपके मकान मालिक ने आपको बाहर निकाल दिया था, याद है? याद है बाबा। 6 महीने से जिंदगी कैसे कट रही है? परिवार मर्जी है, धक्का उक्का खा के इधर गिर जाता हूँ, उधर गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ। राशन वाशन है? राशन राशन कुछ नहीं है जी, जो था वो बैठ के ये छुट्टी में खा गए। तो बाबूजी खाना कहाँ से ला रहे हो? खाना यही चावल मिलता है, वो न कोई स्वाद न कुछ। अस्पताल जाते हो तो अस्पताल वाले क्या बोलते हैं? एक साथ में लेके आओ कोई। साथ में कोई है नहीं आपके? कोई। तो कैसे जिंदगी कैसे काट रहे हो बाबूजी? पर वाले की मर्जी, आप लोग की दुआ है। अभी कुछ आराम नहीं हुआ आपकी बॉडी में, आपके शरीर में? कुछ आराम नहीं, जो गोली जी जब तक असर रहेगा तब तक ठीक रहेगा, फिर खत्म हो जाए खत्म हो जी। आप गए उसके बाद कुछ दिन तक दवा पूरा में चलाया, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं एक ही गोली खाली लाता हूँ 10 रुपये की, 2 गोली देता है दिन में, 8 गोली। अब कहाँ से हम करूँ, हमको समझ नहीं आ, किसी से 10 रुपये मांगता हूँ, 20 रुपये मांगता हूँ गोली लेके ले आता, न चाय पीने के पैसे है न कुछ, न शरीर पे कपड़ा है फटे चिटे से, अपना किसी से मांग के पहन। आस पड़ोस के लोग आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते? हाँ करते हैं, रोटी है। अभी दवाई का पैसा है आपके पास? हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, 20 रुपये सुबह मांगा है, ये बेचारा कोयला उतारता है उससे 20 रुपये लेके दुकान से दवा लेके आ। ले गया गोली 5, कुछ नहीं है। ये हमारे बाबूजी हैं, इनका नाम संजय है, और अब से करीबन 3-4 महीने पहले हमने इनकी एक वीडियो बनाई थी, इनकी एक माली हालत हमने दिखाई थी। इस रिक्शा पे ये कुछ सामान बेचते थे, बीड़ी सिगरेट वगैरह, और एक छोटी बच्ची है वो भी इनके पास नहीं रहती, इधर उधर रहती है। तो उसी पैसे से ये अपना खर्चा चलाते थे, अपने बच्चों का खर्चा चलाते थे। लेकिन आज संजय भाई की हालत ये होगी कि इनके पास 10 रुपया नहीं है। 10 रुपये की औकात क्या होती है? 10 रुपये नहीं इनके पास में कि ये अपनी दवाई का खर्चा उठा सकें, चाय पी सकें, राशन भर सकें। संजय भाई अभी तो लॉकडाउन चलेगा, तो कैसे ज़िंदगी बताओगे? देखो जी क्या बताऊँ, ये कह रहा 17 तारीख से भी बढ़ा लूँगा, ये मौत क्या रहा और कुछ नहीं। क्यों मौत की दुआ कर रहे हो संजय भाई? क्या करें जी, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कहाँ धक्का खाऊँ, कोई कुछ 2-4 रुपये बिकता था वो भी बंद हो गया, रोजी रोटी भी मर गया, अब कहाँ जाऊँ। बड़े बड़े नेता से बैठे हुए हैं, अपना खा रहे हैं, हम लोग गरीबों को कौन पूछ रहा है। संजय भाई ऊपर वाले पे यकीन है? हाँ जी ऊपर वाले पे तो यकीन है, कहीं ना कहीं से करेंगे। आपके पूंजी का पैसा बहुत दिन चला, अभी तक चला, ये नहीं बंद होता ना, हम ठीक 2-4 रुपये कमाते थे अपना खाते थे, क्या करूँ, कहाँ से दवा लाऊँ। संजय भाई घबराना नहीं है, ठीक है, 2000 रुपये हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, इलाज मत रोकना अपना, आप दवाई खाना ठीक है ना? नहीं दवा तुम बंद नहीं कर दो, परेशान नहीं हूँ। मेरे भाई इनके पास घर नहीं है, इनकी बीवी ने इनको छोड़ दिया, एक छोटी सी लड़की है वो, उसका भी पता नहीं वो कहाँ कहाँ रहती है, इनको पैरालिसिस है, फालिश जिसे बोलते हैं, ये खुद से चल नहीं सकते, इनकी बॉडी ऐसे ही कांपती रहती है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मेरे भाई ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपके आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अभी संजय भाई को हमारी ज़रूरत थी तो अल्लाह ने हमें इनके पास भेजा, और मैं आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनके पास मैं आता रहूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी टीम बना के काम कीजिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, लोगों की खिदमत कीजिए, क्योंकि खिदमत से बड़ा मैं मानता हूँ कुछ चीज़ नहीं होती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर हमारी वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।